हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण ऑर्डर और जानकारी, कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स की। तो बात करेंगे जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर का ये ऑर्डर, जिसमें बात कही गई कर्मचारियों के, जो भी कर्मचारी होते हैं और परीक्षा तैयारी के लिए या किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए जो अनुमति लेते हैं, उसी को संबंध में मार्गदर्शन दिया गया है। तो ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्गदर्शन है, जानेंगे इस वीडियो में। तो जोधपुर जिले के समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी UCO PO व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि राजकीय सेवा में कार्यरत जिले के समस्त कार्मिक, चाहे वो तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, शारीरिक शिक्षक थर्ड ग्रेड हो, प्रयोगशाला सहायक हो थर्ड ग्रेड, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड हो, कनिष्ठ सहायक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहायक कर्मचारी, इनके द्वारा समस्त राजकीय जो प्रतियोगी एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी यानी कंपटीशन एग्जाम है, भर्ती परीक्षा है, इनमें सम्मिलित होने के लिए संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान को या कार्यालय अध्यक्ष को ही लिखित में आवश्यक रूप से सूचित करें। यानी कि कोई भी प्रकार की आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं, भर्ती देते हैं, उसमें सम्मिलित होने के लिए विद्यालय के संस्था प्रधान हैं या कार्यालय अध्यक्ष, उसको लिखित में आवश्यक रूप से सूचित करना जरूरी है। इस चाहे वो PO हो सकता है, संस्था प्रधान हो सकता है, कार्यालय अध्यक्ष होता है। इसके साथ ही इसमें और भी बात कही है, तत्पश्चात इसके पश्चात जो है विभागीय कार्मिक का अगर प्रतियोगी परीक्षा में या भर्ती परीक्षा में अंतिम रूप से चयन होता है, तो चयन के उपरांत जिस समय चयनित विभाग के द्वारा अनापत्ति यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा जाता है, अनापत्ति मांगे जाने पर कार्मिक के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करके संबंधित संस्था प्रधान के द्वारा व कार्यालय से प्रमाणित करवा करके भर्ती संबंधी दस्तावेजों सहित ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करने पर स्थानीय कार्यालय के द्वारा प्रतियोगी व भर्ती परीक्षा के लिए अनापत्ति यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी किया गया है। तो इसका मतलब यही हुआ, एक तो लिखित में कभी भी हम जो प्रतियोगी या भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान कार्यालय या PO को जो है हमें सूचना लिखित में देनी जरूरी है इस ऑर्डर के अनुसार। और साथ ही इसके पश्चात ये भी कहा गया है कि अंतिम रूप से अगर हमारा चयन होता है तो चयनित विभाग के द्वारा जब भी अनापत्ति मांगी जाए तो कार्मिक के द्वारा प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन शाला दर्पण के माध्यम से जो भी है आवेदन करके संबंधित संस्था प्रधान कार्यालय अध्यक्ष प्रमाणित करवा के भर्ती के दस्तावेजों सहित ऑफलाइन आवेदन भी प्रस्तुत करने पर जो भी स्थानीय कार्यालय है वह प्रतियोगी परीक्षा भर्ती परीक्षा के लिए अनापत्ति प्रमाण जारी किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण ऑर्डर है समस्त कर्मचारियों के लिए। धन्यवाद।